आप सभी ने टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अखबार में या किसी मैगजीन में या किसी बस स्टैंड पर, किसी मेडिकल स्टोर पर कहीं ना कहीं ज़रूर एक ऐड देखा होगा, वो अनवांटेड 72 यानी अनचाहे गर्भ से बचने का उपाय। उसको डॉक्टर काफ़ी सेफ बताते हैं कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर देखने में मैं बेशक छोटा लगता हूँ, लेकिन लगभग 8 साल का मेरा अनुभव है इस लाइन से, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ। तो मेरे 8 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं। इसके जो दुष्परिणाम हैं, आपने यदि कभी कभार 1-2 टेबलेट ले ली हो तो शायद इसका कोई दुष्परिणाम ना हो, लेकिन यदि आप हर महीने या महीने में 2 बार या 3 बार इसको लेते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहला दुष्परिणाम ये है, यदि आपके घर पे संतान नहीं हुई है तो आने वाले समय में आपको संतान उत्पत्ति में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि बार बार ये टेबलेट लेने से आपका जो गर्भाशय होता है, जो महिलाओं का गर्भाशय होता है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मुंह खुला रह जाता है और लंबे समय तक मासिक चलता रहता है और फिर मासिक रोकने की दवाइयां खानी पड़ती हैं। और अब तीसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये बार बार रेचक का काम करती है, गर्भाशय में खुरचने का काम करती है, क्योंकि जब शुक्र और अंडज मिलते हैं तो उनसे जो बीज बनता है उस बीज को निकालने के लिए खुरचने का काम करती है। जब ये खुरचती है तो बच्चेदानी में छोटे छोटे, मतलब वो दरारें सी बन जाती हैं, और जब वो दरारें बनती हैं तो उन दरारों के अंदर जो है गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और फिर रिसौली बनती है, और रिसौली बन करके कुछ महिलाओं को बच्चेदानी में रिसौली हो गई, बार बार मासिक आता है या मासिक बिल्कुल नहीं आता है, पेट में दर्द रहता है, खासकर पांसू में दर्द रहता है, और जो है बहुत भयंकर दर्द होता है, और गर्भाशय की कैंसर तक होने के चांस बन जाते हैं। ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ महिलाओं को इसकी वजह से कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कुछ महिलाओं को बार बार सिर में दर्द होता है, और कुछ को बार बार मिसगैरिज होता है। बच्चा अटका 2-3 महीने हुए और निकल गया। ऐसी ऐसी जो है समस्याएं होती हैं। तो सभी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि यदि आपको समस्या है, आप नहीं करना चाहते बच्चा उत्पन्न अभी, तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। सबसे पहला ये है कि आप आपके पति से कहो कि वो जो है अपनी तरफ से सेफ्टी बरतें। दूसरी, आप भी बहुत सारी सेफ्टी हम बरत सकते हैं, और हम अगली वीडियो जो है ये बनाएंगे, यदि आपको नहीं चाहिए तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि उससे आपका कोई दुष्परिणाम ना हो, उससे आपको कोई नुकसान ना हो, ऐसी वीडियो जो हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप जो है इस चीज़ के लंबे प्रयोग से बचिए, आप सिर्फ ये मत मानिए कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। ऐसी विज्ञान ने कोई खोज नहीं की है कि जिसका दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन हमें उसको जो है अपनी सुविधा अनुसार आजमाना है, उसका उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। जैसे एसी है, वो गर्मी के मौसम में ठंडी प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, उसका लाभ लेते हैं, लेकिन जब हम उसका लंबे समय से लाभ रहे होते हैं तो उसके दुष्परिणाम शुरू होते हैं। कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, घुटनों की चिकनाई खत्म हो गई, नज़ला हो गया, जुखाम हो गया, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप अनवांटेड 72 या कोई भी अन्य टेबलेट जो अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाने वाली हो उनका प्रयोग ना करें, आपको आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गोपाल।